तो सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां विधानसभा में जोरदार हंगामा चल रहा है, हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा के पास। हेमंत, क्या अपडेट है? देखिए, सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते 10 मिनट के लिए स्थगित की गई थी और उसके बाद पुनः सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। और शुरू होते ही अजय चंद्राकर, जो पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक है, उन्होंने एक टिप्पणी की रविन्द्र चौबे पर। उन्होंने कहा कि आप अति विद्वान हैं और आप उकसाने का काम करते हैं, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राम अवतार तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये जिस तरीके का की घटना सदन के अंदर हुई है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ के इतिहास में या विधानसभा के अंदर? छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परंपरा में अनेक ऐसे अच्छे कीर्तिमान हुए हैं। संसदीय परंपरा में गिरता हुआ दृश्य दिख रहा है, ये हम सब के लिए निंदनीय है। और जनप्रतिनिधियों को एक मर्यादा में रहकर अच्छे व्यवहार और संस्कार के साथ एक पंचायत, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत को चलाएं और जनता के हितों के सार्थक बहस करें, उनके हितों में उनके लाभ कैसे सरकारी योजनाओं की हो सकती है और संविधान क्या कहता है, उस दिशा में अगर सार्थक बहस हो, उसके रिजल्ट आए और अच्छे कानून बनाने की जगह है ये, अच्छे नियम बनाने की जगह है और सरकार की नाकामियों को उजागर करने का सही जगह है। इसका अगर जनप्रतिनिधि सही उपयोग करेंगे, सार्थक बहस करेंगे, तभी विधानसभा का कार्यवाही का अर्थ रहेगा। या तो संसदीय परंपरा इस तरह चीजों से गिरेगा, वो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए ये एक गलत संदेश जा रहा है। जिस तरीके से टिप्पणी हुई है मंत्री डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच, क्या उचित मानते हैं सदन के अंदर? गली मोहल्लों में और चौक में बोलने वाली भाषा अगर विधानसभा के भीतर हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सदस्यों को संयमित रहना चाहिए और संयमित व्यवहार से जो उद्देश्य है, अपनी भाषा है, उसका सही उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए कविता, जिस प्रकार की स्थिति विधानसभा के अंदर हुई आज, जो घटना हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई थी मंत्री शिवडारिया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच, कहीं ना कहीं ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी विधानसभा के अंदर। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी भी कह रहे थे कि इस तरीके की बातचीत और टिप्पणी सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये बात गली मोहल्लों में ठीक लगती है और इस तरीके की घटना पहली बार हुई है। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई से शुरू हो गई है, आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही आज शुरू हुई, विपक्ष के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सभी ने टिप्पणी की और कहा कि अनुपूरक बजट को इसमें शामिल किया गया, जबकि विशेष सत्र आरक्षण को लेकर बुलाया गया है। उसके बाद फिर अनुपूरक बजट बिना विपक्ष के बिना चर्चा हुई अनुपूरक बजट को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अनुपूरक बजट में किन किन चीजों को शामिल किया गया, कितना पैसा किस मत में दिया गया है और ध्वनि मत से अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। लेकिन जब विधेयक वहां पर प्रस्तुत हुआ, उसके बाद तो विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सीधे तौर पर जो बीजेपी के विधायक है, उनका कहना था कि भानु प्रतापपुर का चुनाव है 5 तारीख को, इसी जल्दबाजी में, इसीलिए उस चुनाव में फायदा हो तो सत्र बुलाया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि जनसंख्या के अनुसार हम आरक्षण देने जा रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या है जिस समाज की, उनको उस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के विधायकों का साफ तौर पर कहना था और कल ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कह दिया था कि हम संशोधन प्रस्ताव लेकर आएंगे और उनका बीजेपी के ही मांग है और बीजेपी चाहती भी है कि संशोधन के साथ जो विधेयक है आरक्षण का वो पास हो। तो फिलहाल चर्चा अभी हो रही है, लेकिन जिस तरीके की घटना आज हुई है सदन के अंदर, वो पहले कभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर नहीं हुई थी। बिल्कुल हेमंत, जब जनप्रतिनिधि लोग ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे जनता उनसे। और कई बार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं और हमेशा बताते हैं कि छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय राज्य है। जी हेमंत, जी हेमंत, आप जी
देखिए कविता, संसदीय इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई थी, मैंने पहले ही बताया। और ये पूरी जो घटना वो शिव डारिया की एक टिप्पणी से शुरू हुई। मंत्री से जब आरक्षण को लेकर विपक्ष के विधायक बातचीत कर रहे थे तो मंत्री शिव डारिया ने कहा कि अगर मुझे नेताओं का आदेश मिला तो मैं आपके बीच आपके ऊपर आके बैठ सकता हूँ। इसके बाद ही उनकी टिप्पणी के बाद ये पूरा जो मामला है वो गरमाया और घटनाक्रम हाथापाई की नौबत तक जा पहुंचा। जब अगर विपक्ष और पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर और डारिया को अलग नहीं करते तो कुछ अलग घटना हो सकती थी, जो कभी घटना छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये सब घटना विधानसभा अध्यक्ष के सामने हो रही थी और बार बार विधानसभा अध्यक्ष आग्रह भी कर रहे थे सभी सदस्यों से, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कि आप आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न न करें, आप सहयोग करें। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर हो रही थी, हंगामा पूरी तरीके से विपक्ष के भी विधायक आरक्षण को लेकर कर रहे थे और बार बार ये आरोप सरकार पर बीजेपी लगा रही है, विपक्ष लगा रहा है नहीं रही। कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार जी कभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीजेपी नेता ने जो किया है, इस तरह से तो सदन की कोई मर्यादा ही नहीं उनकी तरफ से। देखिए, विधानसभा के सभी सदस्यों को ये देखना चाहिए कि किसे किस तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए और ये बहुत सारे नियम रहते हैं और संसदीय भाषाओं का उपयोग करना चाहिए सभी सदस्यों को। बार बार विधानसभा अध्यक्ष भी आग्रह करते हैं विधायकों से, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी, मर्यादित टिप्पणी, जो आम बोलचाल की भाषा रहती है वो सदन के अंदर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना का दोबारा नहीं होना चाहिए। सभी को प्रयत्न करना चाहिए और फिलहाल आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है, विधेयक पास कर दिया गया है और ये जताया जा रहा है कि हालांकि पहले ही बसपा और जो कि कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि हम विधेयक का आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कुछ संशोधन है, उन्होंने अनुसूचित जाति की जो आरक्षण देने जा रही सरकार 13% उसको 16% करने का है। इसी तरीके से EWS को जो 4% आरक्षण सरकार देगी उसको 10% करने की मांग है। बिल्कुल, तो वो चाहते हैं कि संशोधन के साथ पारित हो। हालांकि जिस जी हेमंत, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।